पैगम्बर खुदा ने खाब में देखा कि मैं हर जो ज्यारत के मराशिम अंजाम दे रहा हूँ, आपने उठकर सुबह को सहाबा ग्राम से वाकया बता दिया, सबको यकीन हो गया कि बस सारा किस्सा ख़त्म हो गया, इच्छा है इन शाला हम लोग हज पर जाएँ। पैगम्बर ने हज का काफिला तैयार कर लिया, एक बड़ी तादाद मुसलमानों को तैयार हो गई। पैगम्बर जब निकले हैं तो वहीं से ऐसा आमाल तैयार किया कि लोग समझ लें हम लड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम खाली हज करने आ रहे हैं। कल तक हमारा रास्ता जो कि रास्ता रोको, रास्ता रोको, सख्ती पैदा हो गई, भरी था कि जंग हो जाए, मगर कुरान ने हुक्म दिया ये जंग का मौका नहीं है, यहाँ शुरू कर लें, हम तुम शुरू कर लें। उनको ये ख्याल हो गया कि पैगंबर हमारे मरने में फंस गए हैं, जितना दबा सकते हो दबा के इनसे शुरू करो, अभी कुरान शुरू है, तारीख शुरू हो रही। उन्होंने शर्त लगाई आप आए इस साल हज के इरादे से, पहले तो आपके लिए ये शर्त है कि आप इस साल ऐसे ही वापस हो जाइए बगैर हज के। मौला अली ने सुरनामा लिखा, ये सब जो खौफ कीजिए, बड़ी बारीक बात है ये। मौला अली एक बहादुर इंसान थे, शुजा इंसान थे, मैदान जंग के इंसान थे, मैदान सुलह के इंसान नहीं थे, अभी तक ये जाहिर हो रहा था। लेकिन जब पैगंबर ने उनसे कहा कि तुम ही सुलह का कलम भी संभालो, तो उसका मतलब ये हुआ कि मैदान जंग में जिसके हाथ में कलम रहता था सुलह के मैदान में, उसी के हाथ में कलम आ गया। अली की दूर भी नहीं, उस समय दूर पर पैगंबर को एतबार। हम आप अली मंदिर ये आई कि मौला ने लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सुन रमा हुआ है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से फुला फुलाते हो रहा है, क्या जो रसूलुल्लाह मान लें तो मसले ख़त्म हो गया, ये काटिए। मौला ने कहा ये तो मैं नहीं काटूंगा। रसूल मुस्कुराए कहा लाओ हमें दे दो। रसूल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने हाथ से मिला, ये पहली शिकस्त हुई थी। हमारा कोई आदमी आपके यहाँ जाएगा तो आप वापस कर देंगे, आपका कोई आदमी हमारे यहाँ आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, बस मैं जो समझ रहा हूँ हम वापस नहीं करेंगे। पैगंबर ने कही जब ये सब हो रहा था तो कुछ हजरात ने, मैं नाम भी ले सकता हूँ लेकिन नाम नहीं लूँगा, कहा कि या रसूलल्लाह अलसना अलल हक, क्यों खुदा के रसूल क्या हम हक पर नहीं हैं? जो हक पर नहीं होता है वो दबकर शुरू करता है, जो हक पर होता है वो सीने पर चढ़ के शुरू करता है। क्या नहीं, अल्लाह की कसम मैं हक पर हूँ अल्लाह, लेकिन जो मशीयत के इशारे हैं उस समय समझता हूँ। इसमें क्या फिल थी, हम आपको बता रहे हैं कि आप भी सोचने की आदत है। जब ये हुआ कि हमारा जो आदमी है वो आप क्या जाएगा आप वापस कर देंगे, आपको कोई आदमी आएगा तो वापस नहीं करेंगे, इसमें क्या था, पैगम्बर ये चाहते थे भाई आप मालूम है कि लोग मुखालफत में कैसे कैसे प्रोपेगेंडे करते हैं, मुसलमानों और काफिरों के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था, वो जो उनको भरते थे वो लोग समझते थे मुसलमान ऐसे ही रसूल चाहते थे, ये बैरियर गिर जाए किसी सूरत से कि मुसलमान और ये जो काफिर हैं ये आपस में एक दूसरे को देखने लगे और समझने लगे जो कानून सुना था वो उसके खिलाफ है जो आंखों से हम देख रहे हैं। इसका नतीजा क्या हुआ, इसके नतीजे हुआ कि मुशरिकीन मक्का में मुसलमानों के बहुत से हमदर्द पैदा हुए, ये तो अच्छे लोग हैं इनसे क्यों जंग की जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि जो ये सुलह हुदैबिया खैबर फतह हुआ कि नहीं हुआ, खंदक फतह हुआ कि नहीं हुआ, सारी जंगें में सूर फाते लेकिन कहीं नहीं आए फतह नहीं कुरान में, लेकिन जब ये सुलह हुई दब कर तब इरशाद हुआ कि इन्ना फतहना लगा फतह मुबीना, हमने खुद ही भी फतह दाहिर किए जिसका रिजल्ट जल्द आपके सामने आए। तो क्या हुआ कि जब रसूल बात मुख्तर कर रहा हूँ, बात यहाँ पर बहुत लंबी है, मक्के में दाखिल हो रहे थे 12,000 सहाबी आपके साथ थे, एक सहाबी अपने हाथ में अलम उठाए हुए थे और जोश में नारा लगा रहे थे कल यौमा यौमुल मलहमा मलहमा मलहमा, आज खूनरेजी का दिन है, आज बदला लिया जाएगा, आज तुम्हारी बोटियाँ उड़ाई जाएंगी। जब अलम इस्लाम किसी गैर के हाथ में आता है तो ये नारे लगते हैं जो जज्बाती होते हैं, जज्बाती जज्बाती जज्बाती, आज हम खून पाएंगे, आज भाई बोटियाँ उड़ा देंगे, आज ये करेंगे आलम करेंगे। लोगों ने कहा वो तो ये कहने का जाओ उनके हाथ से अलम ले लो,
उनके हाथ से परचम इस्लाम ले लो, इस्लाम खोरेजी का दिन दिन नहीं है, इस्लाम मोहब्बत को मेल कर। फिर आपने वो आलम लेकर मौलानी का हक हक बहकदार रसी हक बहकदार रसी। मौलानी ने उस आलम को लेने के बाद क्या जहानत थी, क्या रकावत थी, जो स्लोगन था सहाबी का मुझे नाम आलम का नाम नहीं लेना, उसमें सिर्फ एक अक्षर बदल दिया, एक लफ्ज नहीं एक हर। वो कह रहे थे कि योमा योमुल मल हमा मा मीम लाम खाए हुती हो से योम योमुल मल हमा मल हमा के मैंने तुम गोश्त की बोटियाँ और लैम के मैंने तब जाने ना गोश्त की बोटियाँ और देने कर देना। अली ने फकत इतना किया कि स्लोगन में लाम की जगह रे रख दी और ये नारा हो गया कि अल योम योमुल मरहमा रहमतुल आलमीन आ रहे हैं, ये मरहमत का दिन है, बोटी उड़ाने का दिन है। नहीं लगी ना फिटकरी लगी फके मरता हूँ। तो अक्ल से जब इंसान फैसले करता है तो पता देर में होती मगर होती अकल ही को पता है। सलवात पर मोहम्मद